नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विक्स क्या है। विक्स पेपर अब मैं कुछ खास नहीं। हम लोग बहुत सुनते हैं और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है कि अरे विक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, विक्स ज्यादा हो गया है तो अभी मार्केट गिरेगा एंड सो ऑन। हम ऐसे बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं और विक्स के रिलेटेड मार्केट में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लियरिटी भी नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर विक्स ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक है कि मार्केट नीचे आएगा, और अगर विक्स नीचे जा रहा है तो विक्स मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, वाइस वर्सा। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता है। तो पहले आप लोग समझे कि विक्स क्या है। अभी विक्स का मतलब है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2008 के बाद। सो बेसिकली विक्स आप लोगों को ये इंडिकेट करता है कि आने वाले 30 डेज में मार्केट की वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी। सो इन शॉर्ट ये आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताएगा कि आने वाले 30 डेज में मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होने वाली है या कम होने वाली है। अब विक्स कैलकुलेट कैसे होता है, तो ये जो ऑप्शंस की जो ऑर्डर बुक होती है ना, उसके बेस पे ये विक्स कैलकुलेट होता है और ये कैलकुलेट करता है एनएससी। अभी विक्स को जनरली फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। अब फियर इंडेक्स क्यों? अभी देखो, अगर विक्स ज्यादा ऊपर रहेगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होगी। सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर फियर अपना हाई है मार्केट में लोगों का तो हमारा विक्स ऊपर रहेगा, और अगर मार्केट में लोगों का फियर डाउन है तो विक्स लो रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। जनरली देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। समझो अभी आपको एक किसी डॉक्टर के पास जाना है, फॉर एग्जांपल आप मेरे केस में ले लो, तो अगर मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है तो मेरा जो फियर इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है वो टाइम पे, बिकॉज मैं डेंटल डॉक्टर के पास मतलब डेंटिस्ट के पास जाने के लिए बहुत डरता हूं। तो वहां पे जाने से पहले मेरा फियर बहुत हाई होगा कि पता नहीं वो डॉक्टर क्या करेगा, पता नहीं वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा या क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो ये होता है मेरा फियर। तो अगर मेरा फियर हाई रहेगा तो मेरा मतलब मुझे पता नहीं है ना कि आने वाले टाइम में मतलब जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तब एग्जैक्टली मेरे साथ क्या होने वाला है। पर जब मैं वो डॉक्टर के पास जाता हूँ उसके बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है और मैं फिर मुझे समझ में आता है कि अरे यार, मैंने जितना सोचा था उतना तो कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें निकल गई, फिर मेरा फियर लो हो जाता है एंड फिर मैं बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंट लेवल में रहता हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे फियर इंडेक्स कैसे होता है। तो जनरली मार्केट में भी ये ऐसे ही होता है। समझो अभी आने वाले टाइम में ऐसा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की वॉर होने वाली है, या फिर कोई इलेक्शन आने वाला है, या फिर कोई ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है, या फिर ऐसी बड़ी एक एक्सपेक्टेड चीज है जिसको लेकर मार्केट शायद गिर सकता है, या फिर मार्केट में बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो क्या होता है ना, जनरली जो बड़े इन्वेस्टर है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि विक्स कैलकुलेट होता है हमारे ऑप्शंस के ऑर्डर बुक के बेसिस पे। तो जो हमारे इंडिया में बड़े इन्वेस्टर है वो जनरली अपने पोजीशंस को हेज करते हैं ऑप्शंस के साथ। अब जब वो हेज करते हैं, जब उन लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में मतलब बेसिकली विक्स आपको ये बताता है कि आने वाले 30 डेज में मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, वॉलेटिलिटी क्या हो सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिस पे अपनी पोजीशंस को हेज करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। वही एक चीज है, जैसे अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी वैसे विक्स नीचे आ जाएगा और मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन होगा ऊपर या नीचे का कोई भी। इससे मार्केट का कोई भी लेना देना नहीं है कि भाई विक्स ऊपर है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली ये हमारे फियर के साथ कोरिलेट करता है। अगर मार्केट में ज्यादा फियर है तो विक्स ऊपर, अगर मार्केट में कम फियर है तो विक्स नीचे। और ये विक्स कैलकुलेट होता है 0 to 100 के मैनर में, बिकॉज ये परसेंटेज बेसिस पे है। ये आप लोगों को बेसिकली ये बताता है कि भाई विक्स आने वाले 30 डेज में मार्केट में मोमेंटम क्या हो सकता है। अभी अगर मैं आप लोगों को आइडियल रेंज बोलूं विक्स की, तो समझो अगर विक्स 25 या 22 के नीचे है तो मार्केट में आप बोल सकते हो कि सर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है। अगर मार्केट में विक्स 25 के ऊपर जाएगा इसका मतलब है कि मार्केट में फियर इंडेक्स बहुत फियर ज्यादा है, आने वाले टाइम में हम लोगों को वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने मिल सकती है। तो ये बेसिकली एक आइडियल रेंज होता है कि अगर 25 के नीचे है तो ठीक है, और अगर 25 के ऊपर है तो मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है।
सो अभी आप लोग मुझे ये बोलोगे कि सर विक्स का मतलब क्या होता है, कभी हम लोग देखते हैं कि विक्स 20 पे है, कभी हम लोग देखते हैं कि विक्स 30 पे है, और जब भी अभी कोविड फॉल हुआ था तभी तो विक्स ऑलमोस्ट 90 तक पहुंच गया था। सो बेसिकली समझो, मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूं, समझो अभी विक्स 20 पे है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये बता रहा है कि भाई आने वाले पूरे साल में मार्केट 20% ऊपर जा सकता है या तो फिर 20% नीचे आ सकता है। इसके अलावा आप लोगों को ये विक्स कोई भी दूसरा इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ये आप लोगों को सिर्फ बताएगा कि पूरे साल की रेंज क्या होगी मार्केट की आने वाले टाइम में। बेसिकली विक्स डेली बेसिस पे चेंज भी होते रहते हैं, पर ज़्यादा परसेंटेज पे चेंज नहीं होते हैं। पर अभी आप ट्रेडर हो और आप ऑप्शंस में सेलिंग वगैरह करते हो या बाइंग वगैरह करते हो, तो आप लोगों को ये देखना है कि भाई आने वाले मंथ में प्रॉपर मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, मार्केट कितना परसेंटेज वॉलेटाइल हो सकता है। ज़्यादातर ऑप्शन सेलर लोगों को ये ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को क्या करना है ना, 12 का स्क्वायर रूट 2 निकालना है। अभी इसका मतलब क्या है, 12 मतलब 12 मंथ होते हैं, आपको उसका 2 स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो होगी 3.46। अभी ये जो 3.46 वैल्यू है, समझो अभी 20 पे विक्स है और हम लोगों को क्या वैल्यू मिली है, 3.46, तो आपको 20 डिवाइड बाय 3.46 कर देना है, तो आप लोगों को आएगा आंसर 5.78। मतलब ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आने वाले मंथ में मार्केट 5.78% ऊपर या नीचे जा सकता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ये बेसिस पे, मतलब ये रेंज के बेसिस पे आप ऑप्शंस के कॉल और पुट बेच सकते हो। इसके अलावा विक्स आप लोगों को कोई भी दूसरी चीज इंडिकेट नहीं करता है। अभी मैंने बहुत लोगों को ये देखते हुए और ये बोलते हुए सुना है कि अरे यार मार्केट में अभी विक्स ऊपर जा रहा है, अभी तो कन्फर्म मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट में अभी विक्स नीचे आया है तो अभी कन्फर्म विक्स मतलब नीचे आया तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नहीं प्लीज, ये ऐसा विक्स का कोरिलेशन नहीं होता है। विक्स ज़्यादातर यूज्ड होता है ऑप्शन सेलर के पास से और ऑप्शन बायर के पास से। अभी देखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप जब भी विक्स लो होगा तभी आप लोगों को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो टाइम पे आप लोगों को ऑप्शंस के प्राइस बहुत सस्ते मिलेंगे। और अगर समझो आप ऑप्शन सेलर हो तो जब विक्स हाई होता है तो आप लोगों को सारे कॉल और पुट के प्रीमियम्स हाई मिलेंगे। इसके अलावा विक्स और भी कोई कुछ इंडिकेट करता ही नहीं है। तो आज के बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ भी चीज़ें समझ में आई है तो आप समझ लीजिए विक्स सिर्फ वॉलेटिलिटी इंडेक्स है और वो आप लोगों को सिर्फ यही बताता है कि आने वाले 30 डेज में मार्केट कैसे मूव हो सकता है। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, ना बोलने के बाद भी आवाज़ करते हैं।